जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कैसे वॉलपेपर को आप चेंज कर पाएंगे। आपकी जो वॉलपेपर होगा उस वॉलपेपर को आप चेंज कर पाएंगे। तो कैसे चेंज करना होगा, आपकी होम स्क्रीन पर, ये जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पर आपको एक लॉन्ग प्रेस करना होगा। करने के बाद मिलेगा वॉलपेपर का ऑप्शंस, तो वॉलपेपर पर आपको प्रेस करना होगा। करने के बाद आपका वॉलपेपर का स्टोर ओपन हो जाएगा। इधर से आपको बहुत सारा वॉलपेपर मिल जाएगा, जो भी अच्छा लगे उसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से अगर आपका जो वॉलपेपर आपको पसंद हो रहा है उस वॉलपेपर को सेट करने के लिए आपको मिलेगा अप्लाई ऑप्शंस। तो अप्लाई ऑप्शंस पर आपको प्रेस करना होगा। करने के बाद सेट एज लॉक स्क्रीन, लॉक होने के बाद शो होगा सेट एज होम स्क्रीन, सेट की होम स्क्रीन पर ये सेट होगा। अगर आपको ये वॉलपेपर दोनों में सेट करना है तो सेट बोथ करना होगा। तो देखिए इस तरह सेट हो चुका है। अगर ये ऑप्शन आपका सेट पर वर्क नहीं कर रहा है तो आप ओपन कर सकती हो सेटिंग्स। सेटिंग्स पर जाने के बाद सेटिंग्स पर मिल जाएगा वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए वॉलपेपर, तो वॉलपेपर ऑप्शंस पर आपको प्रेस करना होगा। करने के बाद इधर से आपका जो स्टोर है वॉलपेपर का, ये स्टोर ओपन हो जाएगा। जो भी अच्छा लगे उसी को आप इधर से सिलेक्ट कर सकती हो, सेट कर सकती हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वॉलपेपर है जो आपने फ़ोटो को खींचा या आपने डाउनलोड किया आपकी फाइल मैनेजर पर है, उसको अगर आपको सेट करना है आपकी वॉलपेपर में, पहले आपको उस फोटो को पहले ओपन करना होगा। जो फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करना है, जो फ़ोटो को आपको सेट करना है आपकी वॉलपेपर में, मिलेगा थ्री डॉट पर आपको प्रेस करना होगा। करने के बाद मिलेगा सेट एज वॉलपेपर, तो सेट एज वॉलपेपर को प्रेस कीजिए, अप्लाई पर प्रेस कीजिए। अगर आपको लॉक स्क्रीन पर सेट करना है तो सेट एज लॉक स्क्रीन पर प्रेस करना होगा। अगर आपको वॉलपेपर में सेट करना है सेट एज होम स्क्रीन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको दोनों में सेट करना है तो सेट बोथ पर प्रेस कीजिए। तो देखिए मेरा सेट पर वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो ये वीडियो अगर आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।